शेड्यूल आने के बाद अब कई टीमों के हवाले से आने लगी है बुरी खबरें वार्नर, नॉटजी और डेवन कॉनवॉय की इंजरी को लेकर। क्या है अपडेट बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1183वां एपिसोड। आज 24 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी और ट्रेडिंग और टेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है दिल्ली से, दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कल जब शेड्यूल हमने आपको बताया था तब भी मैंने क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में बताया था कि किस तरह से दिल्ली से होम मैचेस छीन लिए गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शन। और शुरुआती ये जो 17 दिनों का और 21 मैचों का शेड्यूल आया था, कल भी मैंने बताया था दिल्ली में कोई मैच नहीं है, लेकिन अब एक और अपडेट आ गई इसके ऊपर। बताया ये जा रहा है और सोर्सेस माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सबसे पहले यही चीज बता रहे हैं कि भैया दिल्ली में इस साल एक भी मैच नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो दिल्ली बन जाएगा एपी सेंटर गवर्नमेंट एक्टिविटीज का और पुलिस सुरक्षा की जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली में पड़ने वाली है। दैट्स वाई इलेक्शन शुरू होने से पहले जब शेड्यूल आया तब भी दिल्ली में मैचेस नहीं रखे गए, और जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और बचा हुआ शेड्यूल आएगा उसमें भी शायद दिल्ली में एक भी मैच ना हो। हाँ, हो सकता है जो प्लेऑफ्स होंगे उसमें एक प्लेऑफ का मैच दिल्ली में रख दिया जाए, लेकिन अभी की स्थिति में दिल्ली कैपिटल उसको अपना पूरा का पूरा होम ग्राउंड शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्या दिल्ली के सारे होम मैचेस वाइजैग में, विशाखापट्टनम में होंगे या फिर कोई और मैदान भी दिल्ली देखेगा, रायपुर या इंदौर की तरफ भी देखेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी की परिस्थिति में अच्छी खबर नहीं है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए। आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर आ रही है एनरिच नॉटजी के हवाले से। पिछले एक साल से एनरिच नॉटजी चोट के चलते आउट ऑफ द एक्शन है और हमने देखा है कि वो किसी भी लेवल का क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से वो साउथ अफ्रीका की टीम से बाहर बैठे रहे और अपने आप को अनुपलब्ध करा लिया था। हालांकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी उनकी इंजरी पर लगातार नजरें बनाए हुआ था, लेकिन भैया देखो आईपीएल ऐसी चीज है और आईपीएल का पैसा ऐसा है जो कि लंगड़ों को भी दौड़ा देता है, और ऐसे ही कुछ हो रहा है। एनरिच नॉटजी के हवाले से रिसेंट एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो आईपीएल तक फिट हो जाएंगे। मतलब यार देखो, कुछ सोर्सेस तो क्लियर कट बोल रहे थे कि वो आईपीएल में खेल ही नहीं सकते जो उनकी स्थिति है, लेकिन नॉटजी इतने फिट है कि वो अपने आप को आईपीएल में उपलब्ध करा लेंगे। दरअसल दोस्तों नॉटजी के लिए आईपीएल अहम है। पहली बड़ी चीज तो पैसा है, आपको मिनिमम 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे ताकि आप वो जो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। अगर आप एक भी मैच में उपलब्ध नहीं होते हो तो आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट नहीं मिलता है नियम अनुसार, तो वो 2 मैचेस खेलना चाहते हैं नॉटजी। दूसरी बड़ी चीज है अगले साल मेगा ऑक्शन है और मेगा ऑक्शन से पहले इस साल का आईपीएल एक बड़ा ऑडिशन रहने वाला है। अगर इस साल के आईपीएल में नॉटजी चलेंगे तो हो सकता है अगले साल दिल्ली उन्हें रिटेन कर ले, अदरवाइज दिल्ली रिलीज कर देगी, और जब आप रिटेन होते हैं तो अच्छा पैसा मिलता है। तो पैसे की कहानी भी है, फिर वही बात है लंगड़े भी दौड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है दोस्तों ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से। कल शाम को इंडियन प्रीमियर लीग की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई, आईपीएल की नहीं, वुमेन्स आईपीएल की, डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में सितारों ने एक तरह से जमघट फैला दी, क्योंकि शाहरुख खान, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सारे के सारे बड़े मेल एक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। आपको बता दूं दोस्तों कि कल एक अलग कंसेप्ट में ओपनिंग सेरेमनी कराई गई थी जिसमें कोई भी फीमेल परफॉर्मर, एक्ट्रेस और आर्टिस्ट को नहीं बुलाया गया था, और पहली बार ऐसा आईपीएल के इतिहास में देखा गया जब एक साथ इतने बड़े बड़े 6 लेजेंडरी एक्टर्स और परफॉर्मर्स हमें एक साथ देखे। अमूमन जब आईपीएल की भी, जैसा मैंने कल भी बताया, जब होती है ना ओपनिंग सेरेमनी तब भी एक साथ इतने सारे नाम नहीं देखते, तो भैया ये ओपनिंग सेरेमनी के लिए लाइक तो बनता है, 4 चांद जरूर लग गए। बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट के यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया डब्ल्यूपीएल का कल पहला मैच था और इस पहले मैच में बंबई की टीम को जीत मिल गई। बंबई की टीम ने दिल्ली को 4 विकेट से हरा दिया और पॉइंट्स टेबल पर प्लस 0.1 के नेट रन रेट के साथ अब बंबई की टीम नंबर 1 पर काबिज हो गई है। हालांकि डब्ल्यूपीएल को हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कवर नहीं करते, बहुत सारे लोग देखते नहीं है। बेशक बीसीसीआई ने कोशिश की थी कि वो आईपीएल की जर्सी पहना कर दिखाया जाए, लेकिन आप बताओ यार ईमानदारी से कॉमेंट बॉक्स में क्या आपने
आपने कल का मैच उसी तरह से देखा वुमेन्स प्रीमियर लीग का जिस तरह से आप मेंस आईपीएल का मैच देखते हो, अपनी भाई जेन्युइन ईमानदार वाली राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि यहीं से तय होता है कि लीग कितना चलेगी। अगर आप लीग को नहीं देखोगे तो जमाने भर का जितने बीसीसीआई 10 बीसीसीआई एक साथ आकर लीग बना ले, अगर पब्लिक नहीं देखेगी, क्योंकि पब्लिक भगवान है, अगर पब्लिक नहीं देखेगी तो वो लीग फ्लॉप होने ही है, करोड़ों का नुकसान होने ही है, पानी फिर नहीं है। तो वही प्रॉब्लम डब्ल्यूपीएल के साथ भी आ रही है। व्यूअरशिप को बनाने की कोशिश जरूर की गई, बड़े बड़े मेल एक्टर्स को बुलाया जरूर गया, मेल एक्टर्स के आने से ऐसा हुआ कि भैया और फीमेल पब्लिक और ताकि अट्रैक्ट हो मैच देखने के लिए, लेकिन हुआ वही, जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो खूब सारी व्यूअरशिप आई, जैसे ही ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई जब मैच शुरू हुआ तो व्यूअरशिप डाउन होने लगी। अब देखते हैं दोस्तों कितनी सफल हो पाती है ये लीग, क्योंकि अभी दूसरा ही साल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार बीसीसीआई ने बड़ी तैयारी कर ली है और बड़ा एक्शन होने वाला है दो बड़े खिलाड़ियों के ऊपर, और रीजन है रणजी ट्रॉफी। दरअसल दोस्तों श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ये दोनों ही प्लेयर्स इस समय बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे, हालांकि टीम इंडिया में सेलेक्ट ना होने के कारण रिपोर्टेडली नियम अनुसार इन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना था, लेकिन इन्होंने रणजी ट्रॉफी स्किप कर अपनी आईपीएल की तैयारियों पर ज्यादा ध्यान दिया और आईपीएल की तैयारी करने लगे। इससे बीसीसीआई नाराज था, इन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट आ रही है बीसीसीआई के हवाले से कि इन दोनों को सजा दे दी गई है और इनका साल भर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है, जिससे इन दोनों को करोड़ों का नुकसान हुआ। हालांकि इन दोनों को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी आईपीएल टीमों से करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। 15-16 करोड़ रुपए ईशान किशन लेते हैं और लगभग 12 करोड़ रुपए श्रेयस अय्यर लेते हैं केकेआर से, ईशान किशन लेते हैं बंबई की टीम से। तो जाहिर है वो जो पैसा है वो फैक्टर है, इसलिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जितना भी फियास्को हुआ है, ये जितना भी बवाल मचा है, यहां से दो चीजें क्लियर हो गई है कि आईपीएल ने बहुत कुछ दिया हिंदुस्तानी क्रिकेट को, लेकिन हिंदुस्तान की जर्सी में खेलने के जज्बे को कम कर दिया। क्योंकि वो जो रणजी ट्रॉफी होती थी, एक जमाना होता था प्लेयर्स मरते थे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, आज प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी को स्किप करते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी होती थी जिससे खिलाड़ी को टेस्ट टीम में जगह मिलती थी, अब किसी को टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जाने से भी प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इंडिया के लिए नहीं खेलूंगा पर आईपीएल खेल लूंगा, इंडिया से खेलने में उतना पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आईपीएल में मिलेगा। तो ये चीज देश के कई खिलाड़ी, बहुत पूरे नहीं लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज में फंसे हुए हैं, दैट्स व्हाई बहुत तगड़े सफल भी नहीं हो पा रहे। तो मेरी राय तो यही है यार कि एक ऐसा नियम आना चाहिए कि रणजी खेलना जरूरी है और कुछ इसमें होना चाहिए, बीसीसीआई को कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो डेविन कॉनवे को थंब इंजरी सस्टेन हुई थी T20 सीरीज खेलते दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसके चलते भैया वो इस पूरे सीरीज से बाहर हो गए हैं और अब इनकी आईपीएल में एंट्री भी डाउटफुल हो गई है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, सीएसके वालों ने इस पर बयान भी दिया, क्या बयान दिया आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी कॉनवे को लेकर बड़ी रिपोर्ट यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज बाहर बैठे हुए हैं और थंब इंजरी उनका बड़ा फ्रैक्चर है, देखते हैं वो कब तक सही होता है। आईपीएल में मात्र एक महीने का समय बचा है और चेन्नई सुपर किंग्स को 22 तारीख को अपना पहला मैच खेलना है। रिपोर्टेडली 1 तारीख से चेन्नई की टीम अपना कैंप भी लगाने वाली है। कॉनवे कब आएंगे, कितने मैचेस खेल पाएंगे, बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनकी इंजरी को लेकर आगे जो भी अपडेट आएगी यूट्यूब पर तो डलेगी, उसके लिए तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लेकिन टेलीग्राम पर 24 घंटे का आईपीएल कवरेज चलता है और पूरे आईपीएल के दौरान टेलीग्राम पर गोल्ड गिव अवे होने वाला है आईपीएल इतिहास में सबसे पहले। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, आपको मजा आ जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर इंजर्ड हो गए हैं और दिल्ली को बड़ी टेंशन दे गए हैं। दरअसल दोस्तों डेविड वार्नर भी इसी सीरीज के दौरान इंजर्ड हुए हैं, रिपोर्टेडली उन्हें अडक्टर इंजरी हुई है और वो भी इस टूर से बाहर हो गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज थी। अब यहां पर सवाल कई सारे खड़े हो गए, दिल्ली की टीम के लिए स्पेशली बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल मैचेस में वार्नर ही दिल्ली की कप्तानी करने वाले हैं। दिल्ली के ओनर्स ने ये कह दिया था कि बाद का जो आईपीएल होगा सेकंड फेज का, उसमें ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाएगा, अभी वार्नर ही रहेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में वार्नर नहीं है तो अब कौन कप्तानी करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। दूसरी बड़ी चीज, वार्नर कब रिटर्न करना है, इस पर भी सवाल है। अब अडक्टर इंजरी इनकी कितनी गंभीर है, इस पर भी सवाल है। देयर आर नो रिपोर्ट्स, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन हाँ गंभीर विषय है वार्नर की इंजरी। इनकी अपडेट भी हम आगे वाली वीडियोस पर टेलीग्राम पर देते रहेंगे।
दो बड़े प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं और दोनों ही आईपीएल में वन ऑफ दी कह लेना कि मेजर आई बॉल अट्रैक्टर है। अब देखते हैं ये कब तक सब सही हो पाता है। वार्नर को लेकर हमारी पैनी निगाह रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जिस तरह से फॉक्स न्यूज ने वो रिपोर्ट्स लिखी थी उस हिसाब से मैंने बताया। बाकी जो भी आगे अपडेट आएगी बताते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं, तो चेन्नई के सोर्सेस ने कुछ अच्छी खबर दी है और ये अच्छी खबर शायद सीएसके के फैंस के लिए बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि रचिन रवीन, डेरल मिचेल और कॉनवे दोनों फिट हो जाएंगे आईपीएल तक, ये बोल रहे हैं भैया चेन्नई सुपर किंग्स के सोर्सेस। सीएसके के सोर्सेस ने कंफर्म किया, रविंद्र और मिचेल भी चोटिल चल रहे हैं, परसों दो दिन पहले कॉनवे भी चोटिल हुए, ये तीनों के ऊपर इस समय निगाह है सबकी। अब सीएसके के सोर्सेज के अनुसार ये आईपीएल के पहले दिन से पहले तक फिट हो जाएंगे। ये तीनों न्यूजीलैंड से आते हैं, इनकी फिटनेस चेन्नई के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली कॉनवे की, क्योंकि कॉनवे तो इनकी प्राइमरी प्लेइंग 11 की रीढ़ की हड्डी है। तो देखने वाली बात होगी, चेन्नई वाले तो बड़े होपफुल है। आपकी क्या राय बताओ कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही भैया चेपॉक से, पहला मैच होने वाला है चेपॉक में, आरसीबी की टीम सीएसके के आमने सामने होगी। लेकिन कल से ही सोशल मीडिया पर एक रिकॉर्ड काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसको देखकर चेन्नई वाले काफी खुश हो रहे होंगे। रिकॉर्ड यह है कि अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में चेपॉक स्टेडियम पर आरसीबी और सीएसके के बीच टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं और चेपॉक स्टेडियम हमेशा से चेन्नई का गढ़ रहा है। दैट्स व्हाई इन 8 मैचों में से 7 मैच चेन्नई की टीम ने जीते और एक मैच मात्र आरसीबी जीत पाई है। मतलब यह रिकॉर्ड बताता है कि चेपॉक स्टेडियम चेन्नई सुपर किंग्स का एक किला साबित हो सकता है। क्या इस बार आरसीबी की टीम इस किले को ध्वस्त कर पाएगी, यह आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। पहला मैच कौन जीतेगा, अपनी राय लिखो कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया ये रिपोर्ट आ रही है इंडिया इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। पहला दिन तो इंग्लैंड ने सस्टेन कर लिया, दूसरा दिन स्टार्टिंग फेज अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं भारतीय गेंदबाज हावी रहे, जो रूट ने शतक लगा दिया। ये मैच ऐसा लग रहा है रिजल्ट तक पहुंचेगा और काफी मजा आने वाला है। आप बताओ कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से जीतेगा अपना हिंदुस्तान। यदि दिनभर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।